गुड मॉर्निंग बेटा, टुडे वी लर्न सेकंड चैप्टर कंप्यूटर एज ए स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक स्मार्ट मशीन है। बुक्स में देखेंगे, यू हैव लर्न इन प्रीवियस चैप्टर, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा अबाउट मशीन। मशीन क्या है? कंप्यूटर एज इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इट डू मैनी थिंग्स, जो बहुत सारे काम करती है। कंप्यूटर इज ए मशीन, कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। द नेम कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेशन, किसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। सो कंप्यूटर कैन ऐड, सब्स्ट्रैक्ट, मल्टीपल एंड डिवाइड। कंप्यूटर क्या कर सकता है? ऐड कर सकता है, सब्स्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है एंड डिवाइड कर सकता है। देन कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है। कंप्यूटर इज ए ह्यूमन मेड मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक ह्यूमन मेड मशीन है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिक पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी से पावर सप्लाई होती है। कंप्यूटर नेट गेयर टाइड एंड एंग्री। कंप्यूटर कभी थकता और हताश नहीं होता। कंप्यूटर स्टोर मैनी थिंग्स। कंप्यूटर में बहुत सारी जगह होती है, स्टोरेज करने के लिए बहुत सारी स्पेस होता है। कंप्यूटर सेव टाइम एंड मनी। कंप्यूटर क्या करता है? टाइम और मनी को सेव करता है। कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन, इसलिए क्या है? कंप्यूटर इज ए एक स्मार्ट मशीन है। नेक्स्ट पेज, कंप्यूटर एज ए स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक स्मार्ट मशीन है। कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन दैट अलाउ अस टू वर्क एंड प्ले। कंप्यूटर क्या है? एक वंडरफुल मशीन है, आश्चर्यजनक मशीन है, जो क्या करता है? काम करता है और खेलने के भी काम आता है। इट कैन डू सेवरल थिंग्स वेरी फास्ट। ये क्या कर सकता है? बहुत सारे काम बहुत जल्दी कर सकता है। मोस्ट मशीन कैन डू ओनली वन थिंग्स एट ए टाइम। बहुत सारी मशीन केवल एक समय में एक काम करती है, बट कंप्यूटर कैन हेल्प्स अस टू डू मैनी थिंग्स। और कंप्यूटर क्या होता है? हेल्प करता है बहुत सारे काम को एक ही समय में करने के लिए, एट ए टाइम। सच एज वी कैन वर्क, हम कार्य कर सकते हैं, प्ले खेल सकते हैं, वॉच मूवीज़ देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, लिसनिंग सॉन्ग को सुन सकते हैं। दैट्स वाई कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन, इसीलिए कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है। ये क्या क्या कर सकता है? सॉल्व प्रॉब्लम, सॉल्व सम सॉल्व कर सकता है, सम कर सकता है। प्लेइंग गेम्स, खेलने के लिए काम आता है, गेम्स को खेलने के लिए भी काम आता है। लिसन सॉन्ग को सुनने के लिए काम आता है। वॉच मूवीज़ को देखने के लिए काम आता है। टर्न योर पेज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने प्रकार होता है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल ऑन द बेसिक्स ऑफ साइज एंड वर्क। कंप्यूटर क्या होता है? डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर अवेलेबल है, जो उनके साइज के हिसाब से और कार्य के हिसाब से है। जैसे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप इज ए कंप्यूटर। डेस्कटॉप एक कंप्यूटर है, जो यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज दैट विच कैन बी कीप्ड ऑन द डेस्क, जो हमेशा क्या होता है? टेबल में रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। लैपटॉप, लैपटॉप इज ए कंप्यूटर। लैपटॉप एक कंप्यूटर है। इट इज स्मॉलर एंड लाइटर देन डेस्कटॉप, जो क्या होता है? डेस्कटॉप से छोटा होता है और हल्का होता है। वी कैन कीप दिस कंप्यूटर ऑन लैप। इसको क्या कर सकते हैं? आप कंप्यूटर को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। वी कैन कीप दिस कंप्यूटर ऑन लैप, इसको आसानी से कहीं पे भी ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है टैबलेट पीसी। टैबलेट पीसी इज ए स्मॉल वायरलेस कंप्यूटर। टैबलेट पीसी एक स्मॉल, छोटा, बिना वायर का कंप्यूटर है, विथ टच, जो टच से भी चालू होता है। वी कैन ईजली कैरी विथ अस, इसको हम आसानी से कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ये देखिए, ये टैबलेट है। फिर
स्मार्टफोन सबसे लास्ट है स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन क्या है, स्मार्टफोन और मोबाइल, स्मार्टफोन और मोबाइल आल्सो हैव पार्ट ऑफ कंप्यूटर इन देम, जो कंप्यूटर का एक पार्ट है, कौन कौन से हैं, स्मार्टफोन और मोबाइल। दीज फोन्स आर स्मॉलर देन ए टैबलेट पीसी, जो टैबलेट पीसी से छोटे होते हैं। इट इज़ वेरी ईजी टू कैरी देम, जिसको बहुत ईजी से, जिसको बहुत आसानी से ले जाया जा सकता है। रोबोफैक्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर आर आल्सो नो एज पीसी, डेस्कटॉप कंप्यूटर को हमेशा क्या बोलते हैं, पीसी बोल सकते हैं, जिसे पीसी को फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। दैट आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड, फर्स्ट सेकंड चैप्टर इज कंप्लीटेड, एक्सरसाइज विल बी कम ऑन next day.